तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे अनुवांशिक कूट के बारे में, ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में। उसमें हम पढ़े थे कि जेनेटिक कोड जो है अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो पढ़े थे कि जो कोडोन होता है वो 64 प्रकार का होता है, उसमें से 3 होता है नॉनसेंस कोडोन या समापन कोडोन और 1 होता है प्रारंभन कोडोन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो अनुवांशिक कूट है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। तो पढ़े थे कि वो जो होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, सार्वभौमिक होता है ना, स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है जो शुरू किया गया था 1990 में। कब शुरू किया गया था? 1990 में यूके के वेलकम ट्रस्ट के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम में वेलकम ट्रस्ट है, वहीं के द्वारा, वेलकम ट्रस्ट के द्वारा मानव जीनोम परियोजना शुरू किया गया। अब बाद में इसमें चीन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, हर एक देश, पूरा विश्व जो है इस परियोजना में शामिल हो गया। 1990 में शुरू हुआ वेलकम ट्रस्ट के द्वारा, फिर इसमें ब्रिटेन का रॉयल सोसाइटी, इसके अलावा जो है चीन, जितना भी मतलब पूरे विश्व में जितना भी वैज्ञानिक संगठन है वो सब इस परियोजना से जुड़ गया, ठीक है। और 1990 से ये शुरू हुआ और 2003 तक ये चला 13 साल, और 13 साल तक पूरे विश्व के वैज्ञानिक एक साथ काम किए। पूरे 13 साल पूरे विश्व के जो इस लाइन के वैज्ञानिक थे, क्रोमोजोम और इसके बारे में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं इसको, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके जो वैज्ञानिक 13 साल तक एक साथ काम किए इस परियोजना पर। ये जो परियोजना था मानव जीनोम परियोजना, ऑफिशियली 2003 में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ये 2006 तक चला। इसमें किया क्या गया, जितना भी क्रोमोजोम है 23 जोड़ा, उन सब पे जितना भी जीन है, जितना भी नाइट्रोजनी क्षार है, उस सब पता लगाया गया कि किसी इंसान का अगर डीएनए है तो डीएनए में क्या होता है। हम लोग पढ़े थे डीएनए के बारे में कि डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक है, और 3 अरब नाइट्रोजनी क्षार होता है। एक मनुष्य का जो कोशिका जो केंद्रक होता है उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कोशिका के केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। सोचो उतना बड़ा डीएनए इतने छोटा केंद्रक में कैसे रहता है। तो हम पढ़े थे डीएनए का पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त रहता है। ऐसे मान लो कि 2 किलोमीटर लंबा अगर कोई तार हो, रस्सी हो, उसको हम बोले कि एक रूम में रख दो, तो रख पाओगे? रख दोगे उसको मोड़ के। वैसे ही यहाँ पर केंद्रक में भी जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है उसका पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होता है कुछ प्रोटीन की मदद से, और इस तरह से छोटे से केंद्रक में जो है रखा हुआ है। वो हम लोग पढ़ लिए थे किस तरह से पैकेजिंग होता है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह उसमें हेल्प करता है, उसको हम लोग पढ़े हुए हैं पहले के वीडियो में। तो आज ये पढ़ना है कि ये जो परियोजना है इसमें क्या मालूम चला कि पूरा जो डीएनए है वहाँ पर जो नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, चार ही मतलब ये होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है, और उसका पूरा एक क्रम होता है पूरा डीएनए पर। तो जो क्रम है वो किस क्रम से क्या होता है, कौन जीन किस चीज़ को नियंत्रित करता है, किस तरह का क्रम रहेगा तो कौन सा जीन बनेगा, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, हर एक चीज़ डीएनए के बारे में वो सब पता लगाया गया इस परियोजना में। इस परियोजना में जो है हम कितने साल लगभग ये परियोजना चला, 13 साल ऑफिशियली, 3 साल और आगे एक्सटेंड किया गया, क्योंकि जो 23 क्रोमोजोम था, 23 जोड़ा होता है ना, तो जो 23 क्रोमोजोम था, मतलब 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, तो जो जोड़ा वाला होता है मतलब 23 जोड़ा 46 क्रोमोजोम जो होता है उसमें से 23 आया होता है किससे, पिता से, और 23 आया होता है किससे, माता से। 23 होता है फादर पैटर्नल क्रोमोजोम, 23 होता है मैटर्नल क्रोमोजोम, 23 पिता से आया, 23 माता से आया होता है। और वो जो 23 क्रोमोजोम है, जो 23 गुणसूत्र है, उसको कहा जाता है जीनोम। पढ़े थे हम लोग पहले कि जीनोम क्या होता है, एक जो अगुणित कोशिका होती है उसमें जो क्रोमोजोम का संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, जीनोम। तो मनुष्य का जो अगुणित कोशिका है उसमें कितना क्रोमोजोम होता है, 23 क्रोमोजोम। तो कितना उसमें जीनोम में कितना क्रोमोजोम हुआ, 23 क्रोमोजोम हुआ। तो 23 क्रोमोजोम में जो पहला नंबर क्रोमोजोम था, फर्स्ट क्रोमोजोम, उसी फर्स्ट क्रोमोजोम में ये 3 साल एक्स्ट्रा लग गया, 2003 से लेकर 2006 तक। तो बाकी सब क्रोमोजोम के बारे में 13 साल में जानकारी ले लिया गया, ठीक है। और कितने क्षार युग्म होते हैं, 3 अरब क्षार युग्म होते हैं, और हर एक क्षार युग्म पे $3 खर्च हुआ था उस समय। एक क्षार युग्म के बारे में पता करने में कितना खर्च हुआ था, $3। तो टोटल खर्चा कितना हो बताओ इस परियोजना में,
टोटल खर्च कितना हुआ, 9 अरब डॉलर का खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 9 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर का खर्च इस पूरे परियोजना में हुआ। चूँकि 3 अरब चार्जिंग था और हर एक चार्जिंग पे 3 डॉलर खर्च हुआ और टोटल 9 अरब डॉलर जो है खर्च हुआ। इस परियोजना से जो रिजल्ट निकला उसको लिखने के लिए 3300 किताब लिखा गया, 3300 किताब। हर एक किताब में 1000 पन्ना था और हर एक पन्ना में 1000 शब्द थे। जो परियोजना से रिजल्ट मिला उसको एक जगह लिखने के लिए 3300 किताबें लिखी गई। हर एक किताब में, 3300 किताब में से हर एक जो बुक था, हर एक बुक में 1000 पेजेस थे और हर एक पेज पर 1000 वर्ड था, 1000 शब्द था। इतना लंबा चौड़ा ये जो परियोजना है ये चला था और इसको पढ़ने के लिए बायोलॉजी में एक अलग से ब्रांच बना दिया गया, शाखा बना दिया गया, जिसको बोलते हैं जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग से शाखा बनाया गया बायोलॉजी में, जहाँ पर केवल और केवल जो मानव जीनोम परियोजना है उसके रिजल्ट के बारे में, उससे क्या क्या बातें सामने आई उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं, जैव सूचना विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो पहली बात ये कि मानव जीनोम परियोजना है क्या, तो ये एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जो क्यों शुरू किया गया, तो मानव के जीनोम पर उपस्थित डीएनए, जीनोम पर उपस्थित जीन के बारे में पता करने के लिए, या बोल सकते कि मानव के जीनोम पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के क्रम में पता करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। जितना बात हम बोल रहे हैं सब बात बता रहे, लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करके लिखते रहो, ठीक है, लिखते रहोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा, कुछ जितना चीज़ हम बोलेंगे सब कुछ बाद जो है भूल जाओगे, इसलिए बेहतर है कि लिखते रहो हर एक चीज़ को, वीडियो को पॉज करो, जहाँ लगता है कि लिखने वाली बात उसको लिखो। तो मानव जीनोम परियोजना जो है क्यों शुरू किया गया, तो जीनोम पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के क्रम के बारे में पता करने के लिए यह परियोजना शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो यह परियोजना 1990 में शुरू किया गया जो 2003 तक चला। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था कि जीनोम पर उपस्थित सभी जीनों के बारे में पता लगाना, कि सभी जीन का, किस जीन का क्या काम होता है, कितने क्षार युग्म है, कौन क्षार युग्म मिलता है तो कौन जीन बनता है, कौन जीन किस चीज़ को नियंत्रित करता है, वो सब पता लगाना इसका काम था। और आज हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन है, आज किसी का डीएनए देखकर उसके बारे में सब बात बतलाया जा सकता है, सभी बातें जो अभी उसको दिखाई भी नहीं दे रही होंगी वो सब बात उसके डीएनए में लिखा हुआ है। मुश्किल से 10-12 जगह का टेस्ट होता है, उससे पूरा डीएनए पढ़ लिया जाता है, डीएनए पढ़ के कि उसका कितना पूर्वज पहले उसके में कौन सा बीमारी था, अभी उसके में कौन सा बीमारी हो सकता है, आगे कौन बीमारी हो सकता है, हर एक चीज़ उसका लक्षण हर एक चीज़ मन चल जाता है इस परियोजना के चलते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना था ये। इस परियोजना में जिसके 3 अरब क्षार युग्म होते हैं डीएनए पर, और हर एक क्षार युग्म पर पता लगाने में 3 डॉलर खर्च हुआ था, टोटल 9 अरब डॉलर खर्च हुआ था, पूरा विश्व में इसमें भाग लिया था। उसके अलावा इसमें जो रिजल्ट मिला था उस लिखने के लिए 3300 किताबें लिखी गई, हर एक किताब में 1000 पेज थे और हर एक पेज पर 1000 वर्ड था, और इसको एक जगह पढ़ने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, इसको बोलते हैं जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। पहला चीज़ ये कि मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या था, मानव जीनोम परियोजना का क्या लक्ष्य था, क्या गोल था मानव जीनोम परियोजना का, लिखना मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, लिख के डैश दो मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। तो सबसे पहला लक्ष्य मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, सबसे पहला कि इसका लक्ष्य मानव जीनोम पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के क्रम में पता लगाने को था। इसका लक्ष्य मानव जीनोम पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के क्रम में पता लगाना, नाइट्रोजनी क्षार के क्रम का पता लगाना था। दूसरा लक्ष्य, इसका लक्ष्य जीनों के बारे में 20,000 से 25,000 जो जीन उपस्थित हैं उनके बारे में पता लगाने का इसका लक्ष्य था। इसका 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य था, एक तो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम पता लगाना था और दूसरा क्या पता लगाना था कि जीन किस तरह से है और कौन सा जीन किस लक्षण को नियंत्रित करता है ये पता लगाना था। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य था। अब बात है कि इससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या क्या विशेषताएँ हैं,
मानव जीनोम परियोजना की, तो लिखना मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं, मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट देखो, इससे मालूम क्या क्या चला, जब ये सारा चीज़ किया गया, मानव जीनोम परियोजना जब पढ़ा गया, परियोजना जब खत्म हुआ, तो क्या क्या मालूम चला। इससे पहला चीज़ ये मालूम चला कि उसके पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था, मानव इस परियोजना से पहले, कि डीएनए पर लगभग 80 से 85 हज़ार जीन होगा, लेकिन बाद में मालूम चला कि केवल 20 से 25 हज़ार जीन ही उपस्थित होते हैं। कितने जीन होते हैं? 20 हज़ार से 25 हज़ार जीन कितने होते हैं? 20 हज़ार से 25 हज़ार। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हो जाएगा कि डीएनए पर या मानव जीनोम में कुल, देखो जो हम जीनोम बोल रहे हैं तो अगुणित कोशिका का बात कर रहे हैं। जीनोम किसे कहा जाता है? अगुणित कोशिका में जो क्रोमोजोम है, जो टोटल गुणसूत्र है, उसको जीनोम कहा जाता है। तो जीनोम में कितने जीन होते हैं? 20 हज़ार से 25 हज़ार। उसके पहले ये मान लग रहा था कि 80 हज़ार के लगभग में जीन होगा, लेकिन बाद मालूम चला कि 20 से 25 हज़ार ही जीन है। और प्रत्येक जीन में 3000 क्षार युग्म होते हैं। प्रत्येक जीन में क्षार युग्म कितने होते हैं? 3000 एवरेज औसत। किसी में ज़्यादा ही हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। लेकिन देखो, जीन है क्या? डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा ही तो जीन है। डीएनए क्या है? क्रोमोजोम का टुकड़ा। क्रोमोजोम बना है डीएनए से, डीएनए बना है जीन से। तो डीएनए में जो एक जो इसका भाग होता है, डीएनए का जो वो हिस्सा है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, उसी को तो जीन कहा जाता है। जीन की अलग से सुनी है, जीन क्या है? डीएनए का वह टुकड़ा, डीएनए का वह टुकड़ा जो किसी लक्ष्य को नियंत्रित करता हो या किसी लक्षण को नियंत्रित करता हो। ऐसे मान लो कि डीएनए का जो ये टुकड़ा है, अब यहाँ पर क्या है? क्षार युग्म है, एडनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। एडनिन का पेयरिंग किससे होता है? थायमिन से। सब पढ़ चुके, बहुत पुराना बात हो गया। गुआनिन का किससे होता है? साइटोसिन से। एडनिन थायमिन कितने बंधन होते हैं? 2 बंधन। गुआनिन साइटोसिन कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन। तो जो नाइट्रोजनी क्षार युग्म है, ठीक है, तो मान लो कि ये टुकड़ा जो है, ये किसी लक्षण को, मान लो कि लंबाई को नियंत्रित कर रहा हो, तो ये जो टुकड़ा है ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। तो डीएनए में ऐसे बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि डीएनए में एकदम जीन जो है एकदम लाइन से होंगे, नहीं, बहुत ऐसे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कुछ टुकड़ा ऐसा होता है जो किसी भी लक्षण को नियंत्रित नहीं करता है, उसको कहा जाता है इंट्रॉन। दो चीज़ें होती हैं, एक इंट्रॉन एक एक्सॉन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्सॉन क्या होता है? तो जो भाग किसी लक्षण नियंत्रित करता है, मतलब जीन है, उसी को एक्सॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन कितने होते हैं? 20 हज़ार से 25 हज़ार जीन होते हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या मालूम चला कि डीएनए पर कुल क्षार युग्मों की संख्या 3 अरब होती है। डीएनए पर कुल क्षार युग्म में, जैसे कि दिख रहे हो ना, एडनिन है के सामने कौन है? थायमिन। यहाँ पर क्षार युग्म है, एडनिन थायमिन में कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंधन। गुआनिन साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंधन। बताओ तो डीएनए के एक मुड़ाव की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम कितना मीटर होता है? एक एंगस्ट्रम में होता है 10^-10 मीटर। पढ़े होगे फिजिक्स में, इसको फिजिक्स में पूरा पढ़े होगे ना, मात्रक। एक मिलीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर कितना होता है? माइक्रोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर कितना होता है? एंगस्ट्रम कितना होता है? पिकोमीटर क्या होता है? फेरोमीटर क्या होता है? फिजिक्स में लिखे होगे, ये हम भी लिखवाए थे इसको, कि एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10^-10 मीटर होता है, ठीक है। और एक जो डीएनए का जो ये मुड़ाव होता है, उसमें क्षार युग्म कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी हुई? 3.4 एंगस्ट्रम। सोचो, इसकी पूरी लंबाई है 34 एंगस्ट्रम, और एक पूरे लंबाई में जो क्षार युग्म है वो 10 है, तो दो के बीच की दूरी कितनी हुई? 3.4 एंगस्ट्रम। या अगर हम इसको बोल दें 34 एंगस्ट्रम को, हम क्या बोल सकते हैं? 3.4 नैनोमीटर। इसको क्या बोल देंगे? 0.34 नैनोमीटर। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पहले चीज़ क्या देखें कि मानव जीनों में कुल जीन कितने होते हैं? 20 हज़ार से 25 हज़ार। दूसरा, प्रत्येक जीन में औसतन 3000 क्षार युग्म पाए जाते हैं। प्रत्येक जीन में औसतन कितने क्षार युग्म होते हैं? 3000 क्षार युग्म औसतन। किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। तीसरी बात कि सबसे ज़्यादा क्षार युग्म डिस्ट्रोफिन जीन में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन है। कौन जीन है?
लिख लेना कि सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षारयुग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2.4 करोड़ क्षारयुग्म पाए जाते हैं किसमें? डिस्ट्रोफिन जीन में। हर एक जीन में अलग अलग क्षारयुग्म होता है, औसतन 3000 क्षारयुग्म होता है, लेकिन डिस्ट्रोफिन में कितना होता है? 2.4 करोड़। सबसे लंबा जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन है। ठीक है, पहली बात क्या हम समझे कि जीनोम पर कितना जीन होता है, 20,000 से 25,000। दूसरी बात कि प्रत्येक जीन में औसतन, या प्रत्येक जीन औसतन 3000 क्षार युग्मों का बना होता है। तीसरा बात कि सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। तथा सबसे छोटा जीन TDF है, सबसे छोटा जीन TDF फुल फॉर्म होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसमें 14 जोड़ी क्षारयुग्म पाए जाते हैं, या 14 क्षारयुग्म पाए जाते हैं। सबसे लंबा जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। कितने क्षारयुग्म में? 2.4 करोड़। सबसे छोटा जीन कौन है? TDF। कितना क्षारयुग्म में? 14 क्षारयुग्म में। कितना क्षारयुग्म में? 14 क्षारयुग्म। ठीक है, नेक्स्ट सबसे अच्छा देखो, जितना जीन के बारे में हमको पता है कि इतना जीन, कितना जीन हम लोग को पता है, 20,000 से 25,000 कितना जीन है, उसमें से 50% से अधिक जीन कोई काम नहीं करता है। मतलब उसका काम क्या है पता ही नहीं है। लिख लेना इस बात को, जितना जीन बारे में पता है उसमें से 50% से अधिक जीन का, 50% से अधिक जीन का, 50% से अधिक जीन का काम नहीं पता है। ठीक है, और जितने का काम पता है उसमें से केवल 2% जीन ही काम करते हैं। अब जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनवाना। किसके पास जाकर? राइबोसोम के पास जाकर। जीन क्या करता है? डीएनए से आता है आरएनए में, आरएनए से जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम क्या करेगा? उसका प्रोटीन बनाएगा। जितना जीन है उसमें से 50% से अधिक जीन का काम हम लोग को नहीं पता कि वो करता क्या है, क्यों है वो, इस पर रिसर्च चल रहा है कि क्यों है वो। हो सकता है कि भविष्य में हमारे अतीत में जब हमारे पूर्वज थे तो उनमें वो काम कर रहा हो, हमें वो काम नहीं करता है, या कौन क्या काम कर रहा था भी नहीं पता है हम लोग। और जितना जीन के बारे में पता है उसमें से 2% जीन ही काम करता है, बाकी जीन प्रोटीन नहीं बनाता है। ठीक है, उसी को एक्टिवेट कर दिया, इस संभव है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो किसी इंसान में कोई विलक्षण, मतलब कोई स्पेशल लक्षण, कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें आ सकता है, अगर लक्ष्य को, अगर किसी जीन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो। लेकिन अभी फिर रिसर्च चल रहा है कि कौन जीन किस तरह से एक्टिवेट हो सकता है और कौन सा काम करता है, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। तो ये बात हुआ, जीन कितना होता है? 20,000 से 25,000। एक जीन में कितने क्षारयुग्म होते हैं? 3000। सबसे बड़ा जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। सबसे छोटा जीन कौन है? TDF। कितना परसेंट जीन बार में काम नहीं पता? 50% जीन बार में काम नहीं पता। जितना का काम पता है उसमें से कितना परसेंट जीन काम करते हैं? 2% जीन ही काम करते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा क्रोमोजोम, या बोले कि सबसे ज़्यादा जीन किस क्रोमोजोम पर है? फर्स्ट क्रोमोजोम पर, क्रोमोजोम फर्स्ट। जो 23 क्रोमोजोम हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जीन किस क्रोमोजोम पर होता है? फर्स्ट क्रोमोजोम पर। 2968 जीन होते हैं फर्स्ट क्रोमोजोम। लिखना, सबसे अधिक जीन गुणसूत्र 1 पर उपस्थित हैं, जो 2968 जीन है। तो सबसे अधिक जीन किस क्रोमोजोम पर है? क्रोमोजोम 1 पे। इसलिए हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा समय भी इसी पर लगा था मानव जीनोम परियोजना में। मानव जीनोम परियोजना जो है 2003 में ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी 3 साल एक्स्ट्रा लगा क्रोमोजोम फर्स्ट पे, क्योंकि उस पर जीन थोड़ा ज़्यादा था, उस बारे में पता लगाने में थोड़ा और टाइम लग गया। तो सबसे अधिक जीन किस पर होता है? क्रोमोजोम फर्स्ट पे होता है। और सबसे कम जीन गुणसूत्र वाई पर होता है, जो क्रोमोजोम वाई है, होता है ना, जो लिंग गुणसूत्र है, जो मादा में कौन होता है? एक्स एक्स, नर में क्या होता है? एक्स वाई। तो जो वाई गुणसूत्र है उस पर ही सबसे कम जीन होता है, 231 जीन होता है। लिख लेना, सबसे अधिक जीन क्रोमोजोम 1 पर होता है, कितना? 2968। और सबसे कम जीन गुणसूत्र वाई पर होता है, कितना? 231 जीन। सबसे ज़्यादा जीन किस क्रोमोजोम पर होता है? क्रोमोजोम फर्स्ट पे। और सबसे कम जीन किस पर होता है? क्रोमोजोम वाई पे। क्रोमोजोम वाई क्या मादा में होता है? नहीं, किस में होता है? केवल नर में होता है। और उसमें सबसे कम जीन होता है, 231 जीन होता है।
तो यही सब बातें थीं जो कि मानव जीनोम खोजने से निकलकर सामने आई, और यही सब पता लगाने में लगभग 13 साल का समय लगा। पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम किए, बहुत सी चीज़ मालूम चला कि कौन जीन का क्या काम है, कौन जीन कैसे बनता है, कौन क्षार में रहेगा तो कौन जीन बनेगा। ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया है कि हम लोग जीन चिकित्सा भी कर सकते हैं, मतलब किसी को अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक रोग है, तो उसमें भी उसके जीन में उलट फेर करके उसको उसके लक्षण को बदल हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि सब लक्षण को कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन ही तो कर रहा है। जीन मैसेज भेज रहा है राइबोसोम के पास, राइबोसोम उस तरह का प्रोटीन बना रहा है और उस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है। अगर जीन ही चेंज हो जाए तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो जाए तो लक्षण चेंज हो जाएगा, और जीन को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाहर से, उसको बोलते हैं जीन चिकित्सा। तो यही सब बात था मानव जीनोम परियोजना का, फिर से देख लो इसमें, फिर ख़त्म करते हैं ये वीडियो। मानव जीनोम परियोजना शुरुआत कब हुआ, 1990 में, कब ख़त्म हुआ, 2003 में। ठीक है, कितना इस पर टोटल खर्च आया, 9 अरब डॉलर खर्च आया। कितना खर्च आया, 9 अरब डॉलर, क्योंकि 3000 क्षार युग्म थे, हर एक क्षार युग्म पे $3 खर्च आया, मतलब टोटल $9,000 का खर्च आया। ठीक है, कितना किताब लिखा गया इस पर, 3300 किताब लिखा गया। हर एक किताब में कितने पेज थे, 1000 पेज थे। हर एक पेज पे कितना वर्ड था, 1000 वर्ड था। मानव जीनोम परियोजना के रिजल्ट के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था DNA जीनोम पर जो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम है वो पता लगाना, और जीन के बारे में पता लगाना। ठीक है, DNA के बारे में पता लगाना, और इसका रिजल्ट क्या क्या आया, तो फर्स्ट रिजल्ट इसका क्या आया कि मानव जीनोम में कुल जीन कितने हैं, 20 से 25 हज़ार। ठीक है, एक जीन में औसतन कितने क्षार युग्म हैं, 3000 क्षार युग्म हैं। हर एक क्षार युग्म में 3000 क्षार युग्म हैं। सबसे बड़ा जीन कौन है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन में कितना जीन होता है, सॉरी डिस्ट्रोफिन में कितने क्षार युग्म होते हैं, 2.4 करोड़ क्षार युग्म होते हैं। सबसे छोटा जीन कौन है, TDF। TDF में कितने क्षार युग्म होते हैं, 14 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, और क्या पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा जीन किस क्रोमोजोम पर है, क्रोमोजोम फर्स्ट पे है। सबसे कम जीन किस क्रोमोजोम पर है, क्रोमोजोम वाई पर है। क्रोमोजोम वन पे कितना कितना जीन है, तो 2968 जीन है। क्रोमोजोम वाई पर कितना जीन है, 231 जीन है। तो ये था मानव जीनोम परियोजना जो ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक DNA फिंगर प्रिंटिंग, उसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बेहतर होगा लिख लेना, जो बात हम बोले हैं उस बात को लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, इसको लिख लीजिएगा खुद से। अब हम देखते हैं अगला वीडियो हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग DNA फिंगरप्रिंट देखेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, याद करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।